बीजेपी, मुसलमानों की जमीन हड़पने की कोशिश, ये तमाम आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बना रही है बीजेपी, और तिरुपति में गैर हिंदू सदस्यों को क्यों इजाजत नहीं काम करने की, तो ओवैसी की तरफ से ये तमाम आरोप लगाते हुए ये सवाल किए गए हैं। तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह से प्रसादम को लेकर मामला तूल पकड़ा था, उसके बाद से ही ये बात कही गई कि जो गैर हिंदू हैं उनको वहां पर जगह नहीं दी जाएगी। अब इसी पर वक्फ बोर्ड के लूटना चाहती है बीजेपी, ये तमाम आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। हमारा बोलना यह है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहाँ पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब TTD के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहाँ पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई TTD भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे। तो वहीं ओवैसी के बयान पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी पलटवार किया, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला देवस्थानम के संदर्भ में मौलाना ओवैसी के विचार सर्वथा अस्वीकार्य हैं। हमारे मंदिरों में गैर हिंदू कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? हमारी शुचिता और पवित्रता का वो ध्यान भी कैसे रख सकते हैं? और अगर इस संदर्भ में चंद्रबाबू नायडू की NDA सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और रही बात वक्फ बोर्ड के संदर्भ में, तो वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद नहीं है, उनके पवित्र स्थल नहीं है, नमाज वो कहीं भी अता कर सकते हैं।